जय माता दी दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों मुझसे बहुत से, से लोग प्रश्न करते हैं कमेंट में भी प्रश्न पूछते हैं और व्हाट्सएप पे भी प्रश्न पूछते हैं और मुझसे कहते हैं कि आप हमें बताओ कि हमें आ, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपाएँ या फिर जिस भी देवता की हम पूजा करते हैं या फिर जो भी हमारे इष्ट देव हैं जो भी हमारे कुल देव हैं उनकी कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है क्योंकि हमारे कई बार काम नहीं बन रहे होते हमें कई बार परेशानियाँ हो रही होती है हमारे काम बिगड़ रहे होते हैं हमारे काम में रुकावट आ रही होती है बाधाएँ आ रही होती है तो ये हमें जानना है और हम पूजा पाठ भी बराबर कर रहे हैं सब कुछ बराबर कर रहे हैं तो हमें ये जानना है कि उनकी कृपा हमारे ऊपर है या नहीं है तो देखिए दोस्तों कुछ एक चीज़ें कुछ एक घटनाएँ कुछ एक संकेत ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे ऊपर देवी देवताओं की कृपा है या नहीं है या आपके ऊपर जिस देवता की आप पूजा कर रहे हो जिस देवी की आप पूजा कर रहे हो उनकी कृपा आपके ऊपर है या नहीं है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है या नहीं है तो कुछ एक चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कुछ एक घटनाएँ मैं आपको बताता हूँ इनसे आपको पता चल जाएगा कि उनकी कृपा आपके ऊपर है या नहीं है देखिए होता क्या है कि जब हम किसी भी शक्ति की आराधना कर रहे होते हैं किसी भी शक्ति की साधना कर रहे होते हैं या हम नियमित रूप से किसी भी शक्ति को पूज रहे होते हैं तो वो शक्ति अपना आभास हमको करवाने लगती है अपनी कृपा का आभास अपने आशीर्वाद का आभास हमें करवाने लगती है और हर किसी को होता है किसी को ज़्यादा होता है किसी को कम होता है लेकिन होता ज़रूर है तो कुछ एक संकेत मैं आपको बताता हूँ जो शक्तियाँ हमें देती हैं ठीक है जो जो संकेत शक्तियाँ हमको देती हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि वो वो उनकी कृपा हमारे ऊपर है ठीक है जब आप अपने इष्ट देव के सामने आप धूपबत्ती जलाते हो ठीक है कई बार ऐसा होता है कि लोग ना धूपबत्ती जलाते हैं और उनकी धूपबत्ती जलती भी नहीं है सही से ठीक है और वो सिर्फ़ या तो आधी जलेगी आधी जल के ही उनकी धूपबत्ती बंद हो जाती है या वो जलाएँगे जलने के थोड़ी देर बाद ही उनकी धूपबत्ती बंद हो जाती है तो ये अच्छा नहीं माना जाता अगर ऐसा है तो आप समझ जाना कि आपसे देवी देवता नाराज़ हैं आपसे देवी देवता रुष्ट हैं किसी न किसी बात को लेकर के हो सकता है कोई गलती आपसे हो रही हो लेकिन अगर आपने जो धूपबत्ती जलाई है वो धूपबत्ती अगर पूरी की पूरी शुरू से लेकर के एकदम एंड तक जल जाती है बिल्कुल राख बन जाती है उसमें कुछ भी नहीं बचता तो आप समझ जाना कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है आपके इष्ट देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से है भले से वो आपको सामने से ना हो लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर है वो आपके साथ चल रहे हैं उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है दूसरी चीज़ आप जब उनके सामने द, दीपक जलाओगे चाहे वो तेल का दीपक जलाओ चाहे वो देसी घी का दीपक जलाओ अगर आप दीपक जलाते हो और दीपक की लौ में अगर आपको फूल दिखाई देता है ठीक है जैसे मान लो आपने दीपक जलाया और दीपक जलाने के थोड़ी देर बाद ही आपको फूल दिखाई दे दीपक की लौ में थोड़ी देर बाद ही दीपक की लौ में आपको फूल दिखाई दे तो आप समझ जाना कि आपके इष्ट देव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनकी कृपा उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपको अचानक से खुशबू आना जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम बैठे होते हैं कहीं पर भी अपने घर में मान लो बैठे हैं या अपने घर में लेटे हुए हैं या या फिर पूजा कर रहे हैं या फिर साधना कर रहे हैं या मंत्र का जाप कर रहे हैं या अपने इष्ट देव का इष्ट देव के भजन सुन रहे हैं या उनका यज्ञ कर रहे हैं और ऐसे में करते करते एकदम से एक तीव्र सुगंध आने लगती है ठीक है खुशबू आने लगती है किसी सेंट की किसी इत्र की किसी भी चीज़ की अच्छी सी खुशबू आने लगती है तो अगर ऐसा है तो भी आप समझ जाना कि आपके इष्ट देव आपके आसपास ही हैं और वो आपकी बातों को सुन रहे हैं उनकी कृपा आपके ऊपर है उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है इसके अलावा कई बार हमें ध्वनियाँ सुनाई देती है हम उसके ऊपर भी गौर नहीं करते लेकिन ऐसी ध्वनियाँ हमको सुनाई देती हैं जब हम पूजा कर रहे होते हैं पाठ कर रहे होते हैं मंत्र का जाप कर रहे होते हैं साधनाएँ कर रहे होते हैं या फिर हमें स्वप्न में या फिर हमें स्वप्न में जैसे कि घंटियों की आवाज़ आना ठीक है और ढोल नगाड़ों की आवाज़ आना अनहत नाद का सुनाई देना नाद स्वर का सुनाई देना इसके अलावा शंख की ध्वनि आना अगर इस तरह की ध्वनियाँ भी आपको सुनाई देती है तो भी आपके इष्ट देव की कृपा आपके भगवान की कृपा आपके देवता की आपकी देवी की कृपा आपके ऊपर हो रही है ठीक है इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमें पता चलता है जैसे कि कई बार हम किसी अनजान जगह जा रहे होते हैं और हम रास्ता भटक जाते हैं ठीक है मान लो आप कहीं भी जा रहे हो किसी अनजान जगह जा रहे हो जो जिस जगह आप पहली बार जा रहे हो वहाँ के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता और वो आपके लिए पूरी तरह अनजान है आप वहाँ पर जा रहे हो और आप रास्ता भटक गए अचानक से मतलब आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है ना बंदा है ना कोई बंदे की जात है ना कुछ भी है कोई भी नहीं दिखाई दे रहा दूर दूर तक ठीक है अचानक से कोई व्यक्ति दिखाई दे जाए आपको किसी साधु के रूप में आपको दिखाई दे जाए कोई व्यक्ति किसी सज्जन के रूप में आपको दिखाई दे जाए और वो अपने आप आपके पास आए अपने आप आपके पास आए ना कि आप उसके पास जाओ वो अपने आप आपके पास आए और आपको रास्ता बताए कि ये आपसे पूछे कि आपको क्या समस्या आपको कहाँ जाना है तो अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो वो समझो कि वो आपके या तो इष्ट देव खुद हैं आपके या फिर उन्हीं की भेजी हुई कोई शक्ति है जो आपको आपका मार्ग बताने आई है आपको आपके मार्ग पर वापस भेजने के लिए आई है इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि कई बार हमारे घर में आपके परिवार में कोई बड़े फंक्शन हो रहे होते हैं कोई किसी की शादी ब्याह है बेटे की शादी है बेटी की शादी है और आप बहुत सारी मुसीबतों में फंसे हुए हो शादी करने के लिए आपके पास पैसा नहीं है आपके पास धन नहीं है आप किसी ना किसी संकट में फंसे हुए हो और आप अपने इष्ट देव का स्मरण कर रहे हो ठीक है कि हमें संकट से निकालो और जैसे ही आप अपने इष्ट देव का स्मरण करो वैसे ही आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिल जाए अचानक से कोई ना कोई आपको अचानक से शुभ समाचार मिल जाए अपने इष्ट देव का ध्यान करते ही अपने इष्ट देव का स्मरण करते ही तो ये भी बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके ऊपर उनकी है उनका आशीर्वाद है इसके अलावा पूजा पाठ करते वक्त इसके अलावा पूजा पाठ करते वक्त मंत्र का जाप करते वक्त साधना करते वक्त हमारे शरीर में वाइब्रेशन का होना हमारे हाथों में कई बार ऐसा होता ना कि जब हम पूजा कर रहे होते जब हम साधना कर रहे होते हैं या फिर मंत्र का जाप कर रहे होते हैं तो हमारे हाथ में ना झुंझुनी सी होने लगती है हाथों में झुंझुनी होने लगती है वाइब्रेशन होने लगती है और हमारे शरीर में पूरे शरीर में सेंसेशन होने लगती है जैसे कि सेंशेशन सी होने लगती है शरीर में हाथ में पैर में सिर में यहाँ पे खिंचाव होने लगता है और उबासी आने लगती है तो ये भी एक संकेत होता है कि आपके आपके जो आपकी जो कुंडलिनी शक्ति या आपके जो चक्र हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं और आपके इष्ट देव आपके साथ हैं वो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं वो आपके ऊपर शक्तिपात कर रहे हैं ठीक है जब जब हम साधना पे बैठे होते हैं जब हम मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं तो देवी देवता हमारे ऊपर शक्ति पात कर रहे होते हैं उस वक्त और हमारी शक्तियों को जागृत कर रहे होते हैं हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं हमारे चक्करों को जागृत कर रहे होते हैं इसके अलावा पूजा करते वक्त हम क्या होता है कि हम देवी देवताओं को पुष्प अर्पित करते हैं फूलों की माला अर्पित करते हैं और पुष्प अर्पित करते हैं और ऐसे में पुष्प अर्पित करने के बाद वो पुष्प अपने आप गिर 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 पड़े या तो आपके ऊपर गिर पड़े या कहीं भी गिर पड़े जैसे कि आपने मूर्ति के ऊपर पुष्प अर्पित किया और थोड़ी देर बाद ही वो पुष्प गिर गया दोबारा से तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत होता है इससे भी पता चलता है कि देवी देवताओं की अपार कृपा आपके ऊपर है और वो उनकी शक्ति आपके साथ है उनकी शक्ति आपके साथ काम कर रही है और वो आपके ऊपर आशीर्वाद भी है उनका इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कई बार क्या होता है कि हम हम समझ नहीं पाते मेन बात यही कि हम ना समझ नहीं पाते हम गौर नहीं कर पाते और जिसकी वजह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और एक बार और एक बार ये चीज़ भी होती है। जैसे हम कोई प्रसाद अपने भगवान को चढ़ाते हैं मान लो आप देवी की उपासना कर रहे हो और आपने देवी को भोग प्रसाद अर्पित किया कोई मीठा पान चढ़ाया आपने उनको बताशे चढ़ाए या फिर बर्फ़ी चढ़ाई तो होता क्या है कि जब आप उनको भोग अर्पित करोगे ना तो भोग अर्पित करने के बाद उस भोग में से एक बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगती है अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तो भी आप समझ जाना कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपाए आपके ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है और इसके अलावा आपको सोते वक्त सपने में उनके दर्शन होना सपने में आपको उनके मंदिर के दर्शन होना सपने में आपको शंख दिखाई देना सपने में आपको नाथों के दर्शन होना सपने में आपको अपने गुरु के दर्शन होना सपने में आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होना ये सारे लक्षण होते हैं जिससे आपको ये पता चल जाना चाहिए आपको विश्वास हो जाना चाहिए कि आपके ऊपर आपके इष्ट देव की आपके कुल देवता की है ठीक है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे संकेत होते हैं कुछ संकेत तो सिर्फ आप लोग ही जानते हो क्योंकि हर व्यक्ति के साथ में अलग अलग घटनाएं होती हैं कई लोगों के साथ तो इतनी इतनी प्रत्यक्ष घटनाएं हो जाती है ना कि अगर वो किसी को बताएं तो लोग विश्वास भी ना करें ठीक है आंखों देखी घटनाएं कई बार लोगों के साथ घटित हो जाती हैं आ, लोग रास्ते में चल रहे होते हैं और एकदम से पूरा का पूरा माहौल का माहौल ही बदल जाता है एकदम से ऐसे लगेगा जैसे कोई दूसरी दिन दुनिया में आ गए दूसरे लोक में प्रवेश कर गए और वहाँ की वहाँ का वातावरण ही अलग है चारों तरफ फूली फूल ही फूल हैं चारों तरफ सुगंध ही सुगंध है और दूर कहीं आसन पे विराजमान है आपके इष्ट देव ऐसे दर्शन भी लोगों को हो जाते हैं ठीक है कई बार तो ऐसी भी चीज़ें लोगों के साथ घटित हो जाती हैं कि वो अपनी साधना कर रहे हैं अपनी पूजा कर रहे हैं साधना करते करते एकदम से बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि वो शून्य में चले गए बिल्कुल बिल्कुल अकेलापन बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे ऐसे लगेगा जैसे कि हम पता नहीं कितने महीनों से पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं मतलब कि एकदम ब्लैंक हो जाएंगे उनको पता नहीं चलेगा जैसे उन्होंने अपना शरीर ही छोड़ दिया उनका जैसे सूक्ष्म शरीर ही बाहर आ गया और कई बार तो जैसे कि दीपक की लौ जलाई दीपक की लौ इतनी ऊंची हो जाएगी इतनी बड़ी हो जाएगी और दीपक की लौ का रंग बदल जाता है कई बार ऐसी भी घटनाएं लोगों के साथ घटित होती है और जब आप अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे होते हो मान लो मूर्ति में कर रहे हो या किसी फोटो में कर रहे हो और एकदम से जिस फोटो में या जिस मूर्ति की आप पूजा कर रहे हो उस मूर्ति का स्वरूप ही बदल जाता है ऐसी भी घटनाएं लोगों के साथ घटित होती हैं तो संकेत ये भगवान के होते हैं तो वो उनके ऊपर निर्भर करता है और आपकी आपकी तपस्या पे निर्भर करता है आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि वो वो किस हद तक आपको जा करके अपने अपने संकेत दे सकते हैं अपना अनुभव आपको करवा सकते हैं तो ये सारे संकेत हैं ये सारे अनुभव हैं और अगर ये सारे संकेत भी आपके साथ घट रहे हैं ये सारी घटनाएं आपके साथ घट रही हैं तो निश्चित रूप से 100 परसेंट मान लेना कि आपके इष्ट देव की आपके कुल देव की या जिनकी भी आप पूजा करते हो जिनकी भी आप साधना करते हो उनकी कृपा आपके ऊपर है ठीक है ये सारे संकेत हैं और बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है बस भगवान का नाम जपो नाम जब से अब भगवान की सेवा से उनकी पूजा से उनकी भक्ति से ही सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा ठीक है आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है सब कुछ आपके अंदर है सब कुछ आपके अंदर तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जो मैंने आपको दी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में आ, साथ में बेल आइकन को भी दबा लिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और मिलता हूँ मिलूँगा दोस्तों अब अगली वीडियो में आपसे जय माता दी